नमस्कार, मैं राम मुरारी। आज हम फिर बक्सर में हैं और ये बक्सर का रामरेखा घाट बक्सर की सबसे मशहूर जगह, सबसे प्राचीन जगहों में ये शुमार है। लेकिन हम आज आपको रामरेखा घाट के बारे में बताने के लिए नहीं लाए हैं। हम यहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत नज़ारे को दिखाने के लिए लाए हैं। ये रामरेखा घाट का नया घाट है, ये इधर बना है पिछले कुछ सालों के भीतर, और यहाँ से गंगा और डूबते सूरज का नज़ारा बड़ी खूबसूरत दिखाई देता है सनसेट पॉइंट। हम आज आपको इसी को दिखाने के लिए लाए हैं कि बक्सर के धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से इतर एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में भी पहचान है, और इस पहचान को बेहतर किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। तो आइए हम आपको आगे इसको दिखाते हैं। यहाँ से डूबते सूरज का पक्ष बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए डूबता सूरज कितना खूबसूरत दिखाई पड़ता है यहाँ से। और ये गंगा का किनारा, रामरेखा घाट का ये घाट नया बना है। हमारे साथ पंकज जी हैं, वो बताएंगे कुछ इस घाट के बारे में। पहले ये नहीं था, पहले घाट वहाँ से उसके आगे ही था, इधर बना है। और ये प्रशासन की अच्छी योजना है, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि ये अभी निर्माणाधीन है, देखिए आगे छड़ें लगी हुई हैं किनारे पर, कुछ और बनना है अभी, लेकिन गंदगी और कचरा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है सनसेट का सीन, देखिए कितना खूबसूरत है सनसेट। गंगा में सूरज का डूबता अक्ष, पूरा पूरी गंगा सुनहली हो गई है, गंगा का पानी सुनहरा हो गया। ये यहाँ पर नावें हैं, ये किला का कटाव है, इसके बारे में तो आपको दिखाए ही थे, आप देख सकते हैं जा करके उन वीडियोस को। यहाँ से गंगा का विस्तार भी दूर तक दिखाई पड़ता है। इधर हमारे साथ पंकज जी हैं, अब इनसे कुछ जानते हैं इसके बारे में। पंकज जी, रामरेखा घाट बक्सर का बहुत ही महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। भगवान राम से जोड़कर इस घाट को देखा जाता है, और यही वजह है कि इस घाट पर कई तरह के आयोजन होते रहते हैं। यहाँ गंगा आरती होती है शाम में, तो शाम का जो दृश्य है वो बेहद खूबसूरत होता है, और शाम में जो सनसेट हम लोग देख रहे हैं इसका अद्भुत नज़ारा है। यह यूपी से जुड़ा हुआ, उधर अगर हम लोग जाते हैं तो उजियार का घाट है। बक्सर के बहुत सारे लोग उजियार के मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे इस जगह को, और उधर के लोग भी आते हैं, हर रोज आते हैं, तो ऐसे इस जगह को हम लोग एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बना सकते हैं। इस पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो इस जगह को अगर हम लोग सनसेट पॉइंट के रूप में अगर बनाते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होगा। धीरे धीरे सूरज गंगा की गोद में समाने के लिए बेचैन दिखता हुआ, दिन भर की थकान, दिन भर की तपन को शांत करने के लिए गंगा भी सूरज को अपनी आगोश में लेने के लिए व्याकुल नजर आ रहा है। इतना खूबसूरत लगता है यहाँ पे, बेहतरीन अद्भुत नज़ारा रहता है। हम लोग जाते हैं सनसेट देखने के लिए, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, और इतना गंगा का विस्तार दूर दूर तक देख रहे हैं पंकज जी, दूर तक जहाँ तक जाए गंगा ही दिखाई पड़ती है। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं, लोग आते भी हैं थोड़ा सा इसको, और ये जो प्रशासन बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा इसकी साफ सफाई और ताकि लोग यहाँ आते और एक टूरिस्ट स्पॉट का आनंद उठाते।
और यहीं से सटा ये मरीन ड्राइव है, जिसको बोल सकते हैं गंगा गलियारा कह सकते हैं, गंगा कॉरिडोर, जिससे होते हुए आप गोलाघाट तक जा सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये नावें लगी हुई हैं, लोग आते यहाँ से, जिनको नौका विहार करना होता गंगा में वो भी करता है। फिलहाल हम लोग कुछ दोस्त अभी आ चुके हैं और बक्सर का जगह काटते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा हम देख सकते हैं यहाँ पे। अभी शाम का वक्त है, गंगा मैया के घाट पर हैं, काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है यहाँ आकर के। कभी दोस्तों के साथ टाइम मिलता है तो आ जाते हैं, बाकी सब सही है। इसकी गंदगी देखकर क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए कुछ? ये मैं नगर पालिका से गुजारिश करना चाहूँगा कि बक्सर के जो रमैया घाट है उसकी साफ़ सफाई की जाए, और मैं बक्सर की जनता से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये आप ही के प्रॉपर्टी, हाँ ये हम गंदा ना करें। सही बात, कुछ भी आए ये सब कचरा ना करें। ये हम लोगों का फोकस है कि भाई बक्सर हमारा है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो हम थोड़ा सा इसको लेकर के आगे आएँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा जी? मेरा नाम अमन यादव है। अच्छा, बक्सर में कहाँ से हैं? मैं चीनी मिल में रहता हूँ। चीनी मिल, चीनी मिल से यहाँ आए सनसेट देखने? हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग यहाँ आते हैं, थोड़ा सा इसको और डेवलप कर दिया जाए बढ़िया से तो लोग आएंगे, और ये बक्सर की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ साथ पर्यटन के तौर पर भी एक बड़ी पहचान बन सकती है। यहाँ नावें लगी हुई हैं, लोग आकर के नौका विहार भी करेंगे, लेकिन बगल में कूड़ा है, कोई आकर के भाग भी जाता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसमें बक्सर के नगर पालिका के साथ साथ बक्सर के जनता की गलती है, गलत धारणाओं की वजह से भी होता है। लेकिन ये भी है कि अगर कहीं से शुरुआत हो जाए, जैसे ये नमामि गंगे चलता है, उसका भी हमको लगता नहीं है कि कोई खास इफेक्ट है, मतलब बक्सर पे नमामि गंगे का कोई खास इफेक्ट नहीं दिखता है। चाहे कि लोग आते हैं कैंपिंग करते हैं अपना, फिर वही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वहाँ पे वो बोल रहा है आदमी बोलने दो उसको, कुछ समझ जाता है उसको, छोड़ दो वो बोलते रहे, तो दिक्कत है। गलत धारणाओं की वजह से होता है, मुंडन होता है तो वो भी विसर्जन गंगा जी में करते हैं। चलिए, फिर हर जगह कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी रहता है, तो हमें हर चीज़ देख करके चलना चाहिए। बाकी सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ सर जुड़े, बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं, बहुत, अरे बक्सर हमारा है, आपका है, मेरा है, सबका है, सबका जरूर कर, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जी जरूर, क्यों नहीं। आपका नाम क्या पड़ेगा? संदीप, संदीप कुमार। आप कहाँ? संदीप दुबे। आप कहाँ से आए हैं? पीसी कॉलेज। पीसी कॉलेज, वहाँ से आए हैं? पीसी कॉलेज बता दूं कि यहाँ से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर पड़े। ठीक है, ये बक्सर का रामरेहा घाट और यहाँ का गंगा किनारा है, सनसेट आप देख ही रहे हैं। हमने सुना है साहित्य में और कई बार कि सुबह बनारस शाम में अवध, यानी बनारस की सुबह अवध की शाम बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन बक्सर की शाम भी कम खूबसूरत नहीं है। आप यहाँ से सनसेट देख सकते हैं, लोग भी आते हैं यहाँ सनसेट देखने, फ़ोटो खिंचाने। थोड़ा सा शासन प्रशासन अगर इसको और साफ़ सफाई करा दे, कुछ व्यवस्थाएँ करा दे, ताकि लोग आए तो यहाँ और अपना समय बिता सकें। ये पिकनिक पॉइंट की तरह से धर्मस्थली तो है ही, धार्मिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है रामरेहा घाट, लेकिन पिकनिक स्पॉट भी एक हमारा बहुत बड़ा और खूबसूरत हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगली बार फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।